हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस में जोन्स क्या होते हैं डीएनएस सीरीज के लास्ट वीडियोस में हम जान चुके हैं कि डीएनएस नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है और डीएनएस एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है डीएनएस डेटाबेस आसानी से मैनेज किया जा सके इसके लिए डीएनएस डेटा को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन लॉजिकल पार्ट्स को कहा जाता है डीएनएस जोन्स चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं आपके सामने वही सिनेरियो है जिसका यूज हमने लास्ट वीडियोस में किया था और इसे ही यूज करते हुए डीएनएस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली थी इस सिनेरियो में हमने www.google.com के नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस को समझा था डीएनएस में हम सिर्फ डोमेन नेम को ही डिवाइड नहीं करते जैसे कि आपके सामने दिया हुआ डब्ल्यू में हमने इसके नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस में देखा था कि डॉट कॉम रिकॉर्ड किसी सर्वर पर पड़ा था गूगल डॉट कॉम रिकॉर्ड किसी दूसरे सर्वर पर पड़ा था और डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम का रिकॉर्ड या एंट्री किसी तीसरे सर्वर के ऊपर रखी हुई थी इस डोमेन नेम की डिवीजन के साथ साथ हम डी एन एस डेटाबेस को भी अलग अलग लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि डीएनएस को अच्छे से मैनेज किया जा सके इस डोमेन नेम डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम में डॉट कॉम डी एन एस सर्वर का रिकॉर्ड या इससे मिलते जुलते दूसरे फर्स्ट लेवल डोमेन्स का रिकॉर्ड जैसे कि डॉट ऑर्ग डॉट इन ये सभी के सभी रूट डी एन एस जोन में होते हैं लेकिन इस रूट डी एन एस जोन में ये एंट्री नहीं होती है कि गूगल डॉट कॉम नाम का कोई डोमेन नेम किसी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है या माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम नाम का डोमेन नेम किसी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है यानी कि डॉट कॉम जोन में सिर्फ फर्स्ट लेवल डी एन एस सर्वर्स या डी एन एस रिकॉर्ड की एंट्री होती है इसी तरीके से गूगल डॉट कॉम रिकॉर्ड डॉट कॉम जोन में होता है और डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम इसकी इंफॉर्मेशन गूगल डॉट कॉम जोन में होती है तो इस तरीके से डेटा को तीन अलग अलग जगह पे रखा जाता है ताकि उसको आसानी से ढूंढा जा सके और अगर एक जगह से क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती तो उसके लिए अगली रिक्वेस्ट कहाँ भेजी जा सकती है ये डिफाइन हो जाता है दूसरे शब्दों में कहें डीएनएस जोन डी एन एस डेटा बेस की एक फाइल है जो कि नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है और क्योंकि डी एन एस स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है एक हिराकिकल स्ट्रक्चर है तो इसलिए इस फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस फाइल को डिवाइड करके नेम रेजोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल लोकेशन पे डेलीगेट कर दी जाती है या मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि रूट डी एन एस जोन में डॉट कॉम डॉट ऑर्ग या ऐसे ही और डीएनएस जोन डी एन एस रिकॉर्ड की या डीएनएस सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन होती है फर्स्ट लेवल डोमेन्स की इन्फॉर्मेशन होती है और रूट डोमेन अपनी डीएनएस जोन की फाइल को चेक करके इन फर्स्ट लेवल डोमेन से रिलेटेड क्वेरीज को रिजोल्व करता है इसी तरीके से डॉट कॉम डीएनएस जोन में गूगल डॉट कॉम या ऐसे ही और ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जैसे कि सिस्को डॉट कॉम माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ये सभी के सभी रिकॉर्ड डॉट कॉम डी एन एस जो की फाइल में होते हैं और डॉट कॉम डीएनएस सर्वर इन जोन फाइल्स को देख के इन ऑर्गेनाइजेशन जिनके नेम इसके साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म करता है और इसके आगे इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अपने डीएनएस सर्वर होते हैं चाहे खुद के चाहे आउटसोर्सिंग पे चाहे कोई भी सिनेरियो हो इन ऑर्गेनाइजेशन के अपने डीएनएस जोन्स होते हैं यानी कि इनके खुद के सर्वर के पास डेटाबेस होता है जिनमें इन ऑर्गेनाइजेशन के होस्ट रिकॉर्ड या सर्वर रिकॉर्ड्स या डीएनएस रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन इन डीएनएस जोन्स फाइल्स में रहती है यहाँ पे देखिए आपको डीएनएस जोन्स और डोमेन नेम्स के बीच में भी फर्क समझ आ रहा होगा डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं और ये डोमेन्स अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीएनएस सर्वर के थ्रू नेम रेजोल्यूशन करते हैं लेकिन डॉट कॉम डी एन एस जोन इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने पास एक डेटाबेस रखता है और बेशक से ये अलग अलग कंपनी के डोमेन नेम्स हो लेकिन इनका रिकॉर्ड एक ही डी एन एस जोन डेटाबेस में रखा हुआ है चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं मान लीजिए गूगल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इन्वायरमेंट में दो और सब डोमेन्स बनाए एग्जाम्पल डॉट गूगल डॉट कॉम और इंडिया डॉट गूगल डॉट कॉम और इन सब डोमेन्स में इन्होंने और आगे सब डोमेन्स बनाए या डीएनएस रिकॉर्ड्स क्रिएट किए आप गूगल ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इन सभी डीएनएस रिकॉर्ड्स, चाहे वो डोमेन्स हो चाहे वो होस्ट रिकॉर्ड्स हो या कोई भी हो उनको एक ही डीएनएस जोन में रखें, यानी के एक ही डीएनएस सर्वर में एक डेटाबेस फाइल बनाई जाए और वो ही इन रिकॉर्ड्स का नेम रेजोल्यूशन करवाने में हेल्प करे या फिर गूगल ऐसा भी सोच सकता है या इजी मैनेजमेंट के लिए एग्जाम्पल डॉट गूगल डॉट कॉम और डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम को एक डी एन एस जोन में रखा जाए और इंडिया डॉट गूगल डॉट कॉम का डेलीगेशन को यूज करते हुए एक नया डी एन एस जोन क्रिएट कर दिया जाए तो अलग अलग सिनेरियोज में बहुत सारे डोमेन के लिए एक ही डी एन एस जोन भी हो सकता है या सभी के लिए अलग अलग डी एन एस जोन भी हो सकते हैं तो इस तरीके से ये डिफरेंट है डोमेन नेम से जो कि हमने लास्ट वीडियोज में समझा था चलिए अब हम जरा डीएनएस जोन टाइप्स के बारे में जानते हैं तो डीएनएस जोन टाइप्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम एक फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा है रिवर्स लुकअप जोन फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए यूज होते हैं जबकि रिवर्स लुकअप जोन आईपी टू नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज होते हैं इन्हीं जोन टाइप्स में आप अलग अलग तरह के जोन्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि प्राइमरी जोन सेकेंडरी जोन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन और स्टब जोन चलिए एक एक करके इनको समझते हैं तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी जोन से प्राइमरी जोन डीएनएस डेटाबेस की रीड राइट कॉपी होता है यानी कि ऐसी कॉपी या ऐसा डेटाबेस जिनमें नए रिकॉर्ड्स को ऐड भी किया जा सकता है पुरानों को एडिट भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पे उनको रिमूव भी किया जा सकता है प्राइमरी जोन एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है जिसे प्राइमरी सर्वर कहा जाता है और इस एनवायरमेंट में सिर्फ एक ही प्राइमरी सर्वर हो सकता है यानी कि एक ही सर्वर के ऊपर आप रीड राइट कॉपी को इंस्टॉल कर सकते हैं और जब भी आप कोई चेंज करना चाहते हैं डेटाबेस से रिलेटेड डीएनएस डेटाबेस से रिलेटेड तो वो डीएनएस सर्वर अवेलेबल होना चाहिए जिसके ऊपर प्राइमरी जोन कॉपी इंस्टॉल्ड है सेकेंडरी जोन सेकेंडरी जोन रीड ओनली कॉपी ऑफ डीएनएस डेटाबेस होती है यानी कि ऐसा डेटाबेस जिसके ऊपर आप डायरेक्टली कोई नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते और पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते सेकेंडरी जोन नेम रेजोल्यूशन से रिलेटेड रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है और आपके क्लाइंट्स अलग अलग डी सर्वर से क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं यानी कि आपके नेटवर्क में सेकेंडरी जोन रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी जोन में भी डी डेटाबेस कॉपी होती है लेकिन सेकेंडरी जोन का सर्वर ये कॉपी तीन मेथड से ले सकता है पहला कि वो ये किसी ऐसे सर्वर से हासिल करे जिसके ऊपर प्राइमरी जोन इंस्टॉल्ड है किसी और सेकेंडरी सर्वर से ये डीएनएस डेटाबेस की कॉपी ले सकता है या फिर ये एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन से भी डीएनएस डेटाबेस की कॉपी कॉपी कर सकता है सेकेंडरी जोन के बाद एक और टाइप का जोन स्टब जोन स्टब जोन भी सेकेंडरी सर्वर की तरह होता है और क्योंकि ये सेकेंडरी जोन की तरह है तो ये भी एक रीड ओनली कॉपी होती है स्टब जोन किसी और जोन के डीएनएस सर्वर्स की तरफ एक पॉइंटर होता है एक इशारा होता है और इस स्टब जोन में उस दूसरे वाले जोन के सिर्फ नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन या नेम सर्वर्स के रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं और बाकी सभी के सभी रिकॉर्ड्स होस्ट से रिलेटेड या कोई भी और दूसरी तरह का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है क्वेरी प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए स्टब जोन्स को यूज किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेटेड या जुड़ा हुआ कोई जोन होगा एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन सिर्फ उन कंप्यूटर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होती है यानी कि डोमेन कंट्रोलर्स और क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी मास्टर एप्लीकेशन मॉडल को फॉलो करती है सभी एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन डीएनएस डेटाबेस की रीड राइट कॉपी होते हैं यानी कि आप मल्टीपल लोकेशन से डीएनएस डेटाबेस को एड एडिट और रिमूव कर सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में डीएनएस के सभी सर्वर एक तरह से प्राइमरी सर्वर की तरह एक्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन हमारे नेटवर्क में फॉल्ट टॉलरेंस हाई अवेलेबिलिटी और रिटेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं और हमारी एक्टिव डायरेक्टरी बिना डीएनएस के वर्क नहीं करती है तो इसलिए एक्टिव डायरेक्टरी की फुल फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं और डीएनएस सर्वर के फेलियर के, के केस में दूसरा डोमेन कंट्रोलर या डीएनएस सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस टाइप के जोन्स का डेटा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही रेप्लीकेट हो जाता है जो इस डी एन एस डेटाबेस को और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप मुझे बताएं कि उस डीएनएस जोन को क्या कहते हैं जो एडी के साथ इंटीग्रेटेड हो आपकी ऑप्शन हैं ए प्राइमरी जोन बी एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन या फिर सी सेकेंडरी जोन आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट ट्वेंटी सेकंड्स में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डीएनएस जोन्स क्या होते हैं तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग